हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करूंगा वो थोड़ी देर बात करूंगा। आपसे कहना चाहूंगा कि छोटी सी कोटेशंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और इस पर विचार करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आज जो कवर करूंगा वो सभी क्वेश्चंस होंगे वन लाइनर जीके के। और ये सभी क्वेश्चंस आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टेट में ये क्वेश्चंस काम आएंगे, बहुत यूज़फुल हैं ये। और डेडिकेटेड जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। तो यूपी पुलिस वाले प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उन सबको पेन डाउन करिएगा, जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपने नोट नहीं करना है। इस वीडियो के माध्यम से उन सभी क्वेश्चंस का आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चंस स्वामी सहजानंद, अगर आपको ये नाम पता है, ये क्वेश्चंस आपको आता था तो आप इसको पेन डाउन मत करना। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ इसको लिखिए और डायरेक्ट उस कॉपी को इस वीडियो के बाद में 4-5 बार रिवीजन करना और फिर 7 डेज बाद इसका रिवाइज करना। आगे बात करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, अनफोरसीन, इसको बोलते हैं अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन निकाल सकता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेनेजुएला को। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। बिम्बानाद झील केरल में है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसको कहा जाता है? आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन देंगे तो आपको राइट आंसर याद रखना है, ये आपका WTO, विश्व व्यापार संगठन। देखिए, प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड या फिर जिसको बोलते हैं आयरन पाइराइट्स को झूठा सोना कहते हैं, फूल्स गोल्ड। प्रथम दक्षेश खेल काठमांडू नेपाल में आयोजित किए गए। सबसे पहला जो दक्षेश खेल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? काठमांडू। और काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में। बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय का नाम है फू दोरजी, 1984। भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा डूरंड कप जो हुई थी, इसका आयोजन हुआ था 1888 में, कहाँ पर? शिमला में। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि डूरंड कप का जो संबंध है कौन से खेल से है, तो ये आपके फुटबॉल से। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल राज्य में हुआ था और संथाल जनजाति झारखंड राज्य में पाई जाती है। कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये एक स्टैंडर्ड एक जीके होती है जो आपको पता होनी चाहिए। वो अगर आपको अब तक नहीं पता है तो आपके पास लूसेंट बुक जरूर होगी, वहाँ पर आपको संपूर्ण जनजाति की जानकारी मिल जाएगी। उस बुक को ओपन करिए, उसको देखिए और इन सब चीज़ों को याद करिए। शक विक्रम हिजरी तथा ईसवी संवतों में सबसे प्राचीन कौन सा है? वो है आपका विक्रम संवत। अंतिम मौर्य सम्राट ब्रह्मदत्त था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसी के साथ एक चीज़ और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ऐड कर लीजिए, क्योंकि देखिए यूपी पुलिस का जो भी आपका एग्ज़ाम होगा तो वो ज़्यादा हायर लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, उसमें इतनी डीप चीज़ नहीं पूछेगा। स्टेटिक जी के आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, जैसे आपके डेज कौन सा डेज कब मनाया जाता है, कौन सी जनजाति क्या होती है और कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, तो यही जी के स्टेप की आपसे पूछेगा। तो उसको आपको अच्छे से याद करके जाना है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप पढ़ सकते हैं। अपने गोल को सेट करिए कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कौन सी बुक से पढ़ना है, उस बुक के चैप्टर को डिवाइड करिए डेज के हिसाब से, इस डेज में आपको ये चैप्टर किसी भी कीमत पर ख़त्म करना है।
तो अगर आप प्लानिंग तरीके से अच्छी करेंगे, प्लानिंग को तरीके से आप फॉलो करेंगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आगे बात करते हैं। देखिए, समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। उसका नाम है उज्ज्वला राय। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में है। प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है आपका इंसेट 2A। कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र रजमनामा में मिलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद ने किया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति अगर कोई भी स्पीच देता है किसी भी स्टेज में जाकर के, तो उसकी जो डिजाइनिंग होती है उसको कौन तैयार करता है, उसके स्क्रिप्ट कौन लिखता है? तो वो लिखता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी अपने मन में आएगा पब्लिक के सामने बोल देगा। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल एक पोस्ट होती है, एक रेपुटेड जॉब होती है। ये मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है इसकी कितनी महत्ता है राष्ट्रपति की। तो भारत का प्रथम नागरिक वास्तव में राष्ट्रपति को बोलते हैं। जो भी ये बोलेगा ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार की गई स्क्रिप्ट के द्वारा ही बोलेगा। अगर राष्ट्रपति के भाषण में कुछ लगता है कि इसने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो किसी धर्म को लेकर के या फिर किसी अन्य समुदाय को लेकर के गलत है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल राष्ट्रपति नहीं होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने वो स्क्रिप्ट तैयार करी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, हरा सोना किसको बोलते हैं, ग्रीन टी किसको बोल सॉरी ग्रीन गोल्ड किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं चाय को। आगे हम बात करते हैं। देखिए, एम्पियर सेकंड आवेश की मात्रा का मात्रक है, और क्रिकेट में भूमि से स्टंप की जो ऊंचाई होती है वो होती है आपकी 28 इंच। रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं 15 खिलाड़ी। फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा तमिल है। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई थी, और मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण अबुल हसन ने किया था। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये है कि हवा महल कहाँ पर है, यह है जयपुर में, और इसको किसने बनवाया था? ये बनाया था महाराजा प्रताप सिंह ने। देखिए, अयोध्या में जो स्थित है बाबरी मस्जिद, जिसको लेकर के हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच में विवाद चल रहा है, तो इस मस्जिद का निर्माण जो है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था मीर बंकी ने। मुगल शासक जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर का कोई भी मकबरा जो है वो भारत में नहीं है। भारत में संघ राज्यों का शासन राष्ट्रपति द्वारा होता है, और ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं UAE की राजधानी क्या है? यह है आपकी आबू धाबी। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। 3 बीघा कलियारा पश्चिम बंगाल में से संबंधित है, और शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से फिल्टर होता है, शुद्ध होता है। तो ब्लड का जो फिल्टर करता है वो कौन सा अंग करता है? एग्जाम में क्वेश्चंस ये पूछ लेता है आपसे, तो वो है आपका वृक्क। इसको बोलते हैं किडनी। एग्जाम में आपको वृक्क देगा ऑप्शंस, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार। आयरन शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है, और भारतीय बागवानी हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय सोलन मतलब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। सल्तनत काल में सदगा एक प्रकार का धार्मिक कर था, ये एक रिलीजियंस टैक्स था सदगा। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब उस पे साइन करा था? तो ये करा था 1818 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी, और इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन की कृति है। तो इंडियन मिरर जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? ये लिखी है केशव चंद्र सेन ने। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है, और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। गैसों का दाब मापने का यंत्र है आपका मैनोमीटर, और चरित्रहीन जो बुक थी इसके राइटर है आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1952 में की गई थी, और नीदरलैंड
की संसद को स्टेटिन जनरल कहा जाता है। भारतीय राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष आपकी सन्नो देवी और अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश पंजाब में हुआ था। तो अहमदिया आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, उसकी चिंगारी कहाँ से निकली थी, वो थी आपका पंजाब। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1885 में। कभी कभी आपसे कांग्रेस का वर्ष भी पूछ लेता है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अमरीका के संविधान से लिया गया है। सराजेवो बोस्निया वे हर्जेगोविना की राजधानी है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। देखिए विटामिन के जो किस लिए काम आता है, ये आता है खून का थक्का जमने के लिए, याद रखना। अब खून का थक्का क्या होता है, खून की क्लोटिंग से बोलते हैं ना, वही खून का थक्का होता है। आगे बात करते हैं। देखिए मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक, यह कथन किसने दिया था, ये कथन दिया था केसी हियर ने। पूर्व का मोती नाम से श्रीलंका को जाना जाता है। ए वीक विद गांधी नामक पुस्तक के राइटर हैं लुई फिशर। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सुनार बंगला के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपको अच्छे से पता होगा। और रियल में अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आपके बहुत आपके लिए बहुत नए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसके तमाम जो भी वीडियो हैं यूपी के, वो आप प्लीज़ जरूर देखिएगा ध्यान से, ठीक है। और लेकिन उसके बाद में आपको एक बुक ख़त्म करनी है जिसका नाम है लूसेंट सामान्य ज्ञान बुक, वो आप प्लीज़ पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए उस बुक की, ज़्यादा अच्छा है। या फिर आपको कितना पढ़ना है वो मिलेगा आपको इस चैनल पर, एक वीडियो है कंप्लीट लूसेंट बुक हो चुकी है, उसके एक एक पेज के एक एक वीडियो बन चुके हैं, उन सभी वीडियो का आप वॉच करिए। उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो मैंने इसी तरह से हाईलाइट कर रखा है, जिस तरह से आप ये पीडीएफ देख रखे हैं मैंने हाईलाइट कर रखा है, वैसे ही आप उस बुक में भी देखेंगे। उस बुक को वीडियो के माध्यम को देखिए, उस बुक को अंडरलाइन करिए वीडियो के माध्यम से, उसका रिविजन करिए। आगे बात करते हैं। देखिए भोपाल स्थित भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जसवंत सिंह। और गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष है आपका महापिलुपति। 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। 18 अगस्त 1929 को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका था, यह कथन था सैयद अहमद खां का। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी, ठीक है, 1916 में। तो एग्जाम में आपसे ये पूछता है मैक्सिमम टाइम की होम रूल लीग की स्थापना, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी, ठीक है। आपको ये नाम याद रखना है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी। अगला सवाल ये है कि किस वर्ष करी थी, तो ये करी थी 1916 में, और उस समय जो किसके शासनकाल में करी थी, तो ये थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये सभी जो कीवर्ड आपको मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो ये सभी कीवर्ड आपको अपने नोट्स में नोट करने हैं अगर नहीं पता है तो। 1857 के क्रांति के दौरान या के बारे में चेम्स आउटम एवं डब्ल्यू बी टेलर ने कहा है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र है। मार्च 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 263 में वर्णित है। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा करा गया है, विभाजन करा गया है, ये जो हमने लिया है, ये जो हमने एक थॉट लिया है, ये कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है कैनेडा के संविधान से। 39वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद
न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किए गए राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। सर्वप्रथम गुजरात राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई। एशियाई देश जो है जापान विश्व में जलयान निर्माण मतलब इसमें जो शिप है सबसे ज़्यादा इसमें ही बनते हैं, इसका स्थान है आपका फर्स्ट। महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। अगर हम बोलें कि महासागर का निर्माण कौन सी चट्टान से मिलकर के हुआ है, उस चट्टान का नाम बताइए, एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है, तो वो है आपका बेसाल्टिक चट्टान। मालेगांव समिति का गठन प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है। और चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण संभव है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड इसको बोलते हैं कोलबा, महाराष्ट्र में स्थित है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान एकोस्टिक कहलाता है। और रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। भारत में डाक जीवन बीमा योजना वर्ष 1884 में शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशंस ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुई थी। और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, इसका नाम है आपका एन लम्स डेन। ये है आपकी हॉकी 1961। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अब हम बात करते हैं विश्व बधिर दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आप सब कहा था कि दिवस कौन से डे में क्या बनता है वो आप प्लीज याद करिएगा। जल दिवस, पृथ्वी दिवस, वायु दिवस, तो ये सब आपको याद करना है एग्जाम में जाने से पहले। और इंग्लैंड में गृह युद्ध 1642 से लेकर के 48 में हुआ, 1914 से लेकर के 1918 में हुआ था पहला वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार, पानीपत का फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, कुछ आपके वॉर के भी डेट याद रखने हैं स्टैंडर्ड। अब हम बात करते हैं मानचित्रों पर क्रमिक माप का लगातार प्रदर्शन करने वाली रेखा होती है आइसोनोमल। ये रेखा क्या कराती है, ये कराती है आपकी आइसोनोमल। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ था। बीबी का मकबरा ताजमहल की फूहड़ नकल है। ताजमहल की फूहड़ नकल किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं बीबी के मकबरा को। दक्षिण का ब्रह्मा समाज वेद समाज को कहा जाता है। और इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हुआ था 1886 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1885 में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को तो आपने अच्छे से याद करना ही करना है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान नागपुर में स्थित है। और हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। लंदन का बिम्बले स्टेडियम जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। चोल शासक सैफ मत के संरक्षक थे। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है आपकी पारसनाथ। देव प्रयाग भगीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। क्विक सिल्वर के उपनाम से जाना जाता है पारे को। और भारत में युद्ध टैंक अवाड़ी में बनाए जाते हैं। मर्ग नैनी वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। भारतीय संविधान जो है इसमें जो नागरिकता है वो किस प्रकार की है, ये आपकी एकल नागरिकता। नए राज्य का गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, किसके पास होती है, तो ये होती है राष्ट्रपति के पास। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। और पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं आपके B.M. Kaul। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाई गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम डर्बी घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या है, इनका नाम है आपका रामचंद्र द्विवेदी। और तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक यह संभव है को किरण बेदी ने लिखा था। और प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे जिसमें 11 देशों ने पार्टिसिपेट करा था। वायसराय लॉर्ड बेविल का संबंध है आपका ब्रेक डाउन। और भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं, यह कथन दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। रेशमी
पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र अफगानिस्तान है। भारत में प्रथम छापाखाना मतलब जहाँ पे प्रिंटिंग होती थी पुर्तगाली द्वारा स्थापित हुई थी। तो भारत में जो पहले प्रिंटिंग प्रेस आई थी इंडिया के अंदर, जो लॉन्च करा था, स्थापित करा था, वो करा था पुर्तगालियों ने। गोवा को वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है और प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन है? यह आपका नीदरलैंड। और जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को बोलते हैं डेमोग्राफी। युगांडा की राजधानी कंपाला। और भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। डेडिकेटेड मैं जिस चीज़ को बोल रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केवल आप उसी को पहन मत करना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। सभी क्वेश्चंस काफ़ी सिलेक्टेड तरीके से इस क्वेश्चंस इस वीडियो में रखे गए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके यूपी वाले एग्जाम में या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो प्लीज़ 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 इन सभी को पेन डाउन करना और अच्छे से याद करना अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। अगर बिना बुक को उठाए, बिना स्टडी करे, बिना पेन पेपर उठाए अगर आप सोचते हैं कि सिलेक्शन होगा, होता है, तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं नहीं मानता कि बिना पढ़े सिलेक्शन हो पाता है आज के टाइम पर। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है, किस सूफी संत ने ये नारा दिया था? ये कथन किसका है? तो ये आपका निजामुद्दीन औलिया का। दंडकारण्य योजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। और राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना 27 अक्टूबर 1962 को की गई थी। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। कूका आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका पंजाब में। और अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन फैजाबाद में हुआ था। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर प्लीज़ जरूर करिएगा। और इसी के साथ एक विशेष सूचना और कि इस चैनल पर आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। इन सभी जो आप बुक सामने देख रहे हैं इन सभी कि आपको कंप्लीट वीडियो, जी हाँ वीडियो, और उस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करा गया है। और खास तौर पे आपको सबसे पहले ये बुक ख़त्म करनी है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी एसआई की, यूपी कांस्टेबल की, एमपी एसआई की, एसएससी की, एलडीसी की, ये बुक या तो आप खुद अपने आप पढ़ लीजिए, लेकिन अपने आप कितना पढ़ना है, ये बुक तो बहुत मोटी है लेकिन कितना पढ़ना है सवाल ये उठता है। तो कितना पढ़ना है इस बुक को मैंने अच्छे से हाईलाइट कर रखा है, केवल उतना ही आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो को देखते समय प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगी लुसेंट सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट। वहाँ पर आपको जितने भी वीडियो मिलते हैं स्टार्टिंग से वो सभी वीडियो आप पूरी ईमानदारी से वॉच करिए। जी हाँ, ईमानदारी से वॉच करिए। और अगर आपके पास बुक नहीं है, नोट्स आप बनाना चाहते हैं तो इन सभी बुक के आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इसको देखिए, फिर इसके बाद एसएससी वाले इसको देखेंगे, वोकैब के लिए ये भी बुक है यहाँ पर, और सार संग्रह। तो आई होप आपको रियल में ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और फ्रेंड्स को शेयर प्लीज़ जरूर करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो भी आप नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं उसके माध्यम से। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।